मप लोक शिक्षण संचालनालय आदेश, ऑनलाइन प्रक्रिया से होंगी शिक्षकों की ट्रांसफर। आदेश जारी, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल, 4,62,021। www.educationportal.mp.gov.in www.shikshaportal.mp.gov.in क्र एजुकेशन पोर्टल MIS 2022/57 भोपाल, दिनांक 2/8/06/2022, प्रति प्रबंध संचालक MPSEDC अरेरा हिल्स भोपाल। विषय CM राइज अंतर्गत पदस्थ हुए अमले की पदस्थापना उपरांत शेष रहे लोक सेवकों के ट्रांसफर ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से किए जाने विषयक। विषयांतर्गत CM राइज योजना अंतर्गत शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इसके उपरांत संबंधित शाला में शेष रहे लोक सेवक जिनका विद्यालय में चयन नहीं हुआ है अथवा उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया है, ऐसे लोक सेवकों को अन्य संस्था में रिक्त पदों पर उसी जिले में पदस्थापना की जाना है। बिंदुवार कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी। 1. पदस्थापना की संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिसके तहत संबंधित लोक सेवक अपने लॉग इन से लॉग इन कर वर्तमान में जो रिक्तियां पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है उनमें से कम एक और अधिकतम 20 विकल्प अथवा उस जिले में कुल उपलब्ध विकल्प को प्राथमिकता के क्रम में भरकर आवेदन लॉक करेंगे। 2. आवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्राथमिकता के क्रम में चाह गए विकल्पों में से निम्न प्राथमिकता के क्रम में शाला का आवंटन ऑनलाइन सिस्टम द्वारा किया जाएगा। शिक्षक संवर्ग के वरीयता क्रम स्थानांतरण में वरीयता क्रम का क्रमानुसार विवरण 57 वर्ष से अधिक उम्र होने पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में विवाह के कारण पत्नी पति के निवास अथवा कार्यस्थान पर स्थानांतरण निश्चित श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति विधवा अथवा परित्यक्ता विधुर एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठता संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर मान्य होगी। जिन शिक्षकों को सी राइट स्कूल से ट्रांसफर किया जाना है अथवा जिनके आवेदन प्राप्त करना है उनका चिन्हांकन कर यूनिकेट के सहित सूची पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्राथमिकता के क्रम में आवंटन उपरांत सभी प्रकार के आदेश आयुक्त लोक शिक्षण के डिजिटल हस्ताक्षर से राज्य स्तर से जारी होंगे एवं उनकी रिलीविंग ज्वाइनिंग की कार्यवाही भी ऑनलाइन संपादित होगी ताकि संबंधितों की पदस्थापना स्वतः अपडेट हो सके। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान शीघ्र किए जाने का कष्ट करें। अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण मप्र।